हर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। मूर्ख असुर, जिन ब्रह्मदेव ने तुझे वरदान दिया, जिनके बल पर तू सृष्टि पर विजय पाने चला था, उन्हीं पर प्रहार कर दिया। मुझे मूर्ख बुलाने का दुस्साहस कैसे किया आपने? आप दोनों को कष्ट तो नहीं पहुंचाऊंगा मैं, किंतु आपके किए प्रत्येक अपमान के परिणाम स्वरूप आपकी सृष्टि को अवश्य कष्ट दूंगा मैं। तलातल लोग, सभी लोग बवंडर में समाहित हो गए हैं। हमें शीघ्र कुछ करना होगा, अन्यथा पृथ्वी से निम्न लोग मात्र अतल लोक शेष है। उसके बाद पृथ्वी और अन्य ग्रह भी ब्रह्मांडीय बवंडर में समाहित हो जाएंगे, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कहा था मैंने, पूर्व में ही कहा था मैंने, दो बातें हैं ब्रह्मदेव। एक, मुझे अपना प्रभु स्वीकार कर लीजिए तो मैं अभी इस संकट को दूर कर देता हूं, और दो, मुझे अहंकारी बुलाते हैं ना आप, किंतु ये तो आपका हट है कि जिसके कारण देवी भुवनेश्वरी द्वारा रचे गए ये भुवन नष्ट हो रहे हैं। मैं अभी इस बवंडर को नष्ट करता हूं। बवंडर को मिटा दोगे नारायण, मेरे रचे हुए बवंडर को? यह असंभव है। गरुड़ जी, चलिए। ये क्या करने जा रहे हैं नारायण? अपने सर्वाधिक शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं नारायण? त्रिखुर, मेरा यह सुदर्शन चक्र तुम्हारे इस बवंडर को भेद कर नष्ट कर देगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं महासंकट में आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। मेरा सुदर्शन चक्र अशक्त कैसे हो गया? इस बवंडर की उत्पत्ति मेरे वरदान से हुई है, इसीलिए मेरे वरदान की मर्यादा से बंधे होने के कारण नारायण का सुदर्शन चक्र इस बवंडर को नष्ट नहीं कर पा रहा है। दो बातें हैं नारायण,
एक आप अथवा आपका ये सुदर्शन चक्र मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। और दो, आपकी भलाई अब इसी में है कि आप अपनी पराजय स्वीकार कर नतमस्तक हो जाए मेरे समक्ष। नष्ट हो रहा है, अर्थात अब पृथ्वी का आखिर करेगा ये बवंडर, सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इसे रोकने का क्या उपाय है? चक्र ने माता सती दाह के पश्चात पिताश्री के तांडव को रोककर सृष्टि को संकट से रक्षित किया था, वही चक्र उस बवंडर को रोक पाने में असफल हो गया। हाँ, नारायण का वो सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र भी उस असुरी बवंडर के सामने असफल हो गया। फिर क्या हुआ माता? आगे का घटनाक्रम तो अत्यंत रोचक है गणेश, क्योंकि वो मेरी ही लीला पर तो आधारित है। रिखुर का क्या हुआ होगा? माता ने उन्हें कैसे परास्त किया, ये जानने के लिए तो मैं अति उत्सुक हूँ। रिखुर का अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा था। मेरे वरदान से उत्पन्न हुआ बवंडर और विकराल हुआ जा रहा था। पृथ्वी से निम्न सभी लोगों को वो निगल चुका था। अब इस क्रम में पृथ्वी और पृथ्वी से निम्न लोग आने वाले थे, और साथ ही त्रिखुर के समक्ष मेरी सारी शक्तियां विफल हो रही थी, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान का आदर करना मेरी शक्तियों के लिए अनिवार्य था। माता, त्रिखुर का बवंडर पृथ्वी लोक को निगल ही गया। आनंद आ रहा है मुझे, अत्यंत आनंद आ रहा है मुझे इस दुष्ट को पराजित करने का, इसके बवंडर को रोकने का। कोई ना कोई उपाय शीघ्र ढूंढना होगा हमें। क्योंकि यदि हम त्रिखुर को रोक न सके तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। बातें, एक, स्वयं ब्रह्मदेव ने मुझे यह दंड दिया है। तथास्तु, 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 तथास्तु। जिसमें इस भयंकर बवंडर को उत्पन्न करने की शक्ति है, और दो, मेरा विनाश असंभव है, त्रिदेव भी मेरा वध नहीं कर सकते।
इस संसार की कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति मुझे एक क्षति न पहुंचा सकती, त्रिदेव की विद्या भी नहीं। तथास्तु। और संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे क्षति पहुंचा सके। अजय है हमारे स्वामी, त्रिदेव भी अक्षम है हमारे स्वामी के समक्ष। ब्रह्मदेव से त्रिखुर ने ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे जिससे उस दुष्ट का नाश असंभव हो गया था। उसके बवंडर की शक्ति में वृद्धि हो रही थी, पृथ्वी संकट में थी और सभी ग्रह अपनी अपनी धुरी से भटक रहे थे। इस संकट का समाधान मेरी भी समझ से परे था और कैलाश पर महादेव को भी त्रिखुर के बवंडर के दुष्परिणाम का आभास होने लगा था। नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव, महादेव, त्रिखुर के द्वारा उत्पन्न किया यह भयंकर बवंडर नियंत्रण से बाहर जा रहा है। मुझे ज्ञात है नारायण, वो क्या कर रहा है मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किंतु आप, मैं और ब्रह्मदेव इस बावंडर को नहीं रोक सकते, क्योंकि हम तीनों ब्रह्मदेव के द्वारा त्रिखुर को दिए वरदान की मर्यादा में बंधे हैं। किंतु महादेव, इसका कोई ना कोई समाधान तो ढूंढना ही होगा हमें। समाधान वो ढूंढेगी जो आदि शक्ति है, श्री महाकाली, जगत जननी, त्रिपुर सुंदरी है। नारायण, आप और ब्रह्मदेव सौराष्ट्र के हरिद्र सरोवर पर जाकर ब्रह्मांड की जननी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड को इस संकट से एकमात्र वही उबार सकती है। करुण जी, ये नारायण बिना मेरे समक्ष झुके कहां जा रहे हैं? युद्ध को मध्य में ही छोड़कर अब ये दोनों कहां जा रहे हैं? स्वामी, कहां गए ये दोनों? कहीं आपकी योजना उल्टी तो नहीं पड़ गई? भयभीत होकर भाग गए। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को सृष्टि के पालनहार नारायण संकट में छोड़कर भाग गए, और फिर स्वयं ब्रह्मदेव भी मेरे भय से अंतर्ध्यान हो गए। इतना शक्तिशाली हूं मैं। त्रिदेव में तो महादेव भी सम्मिलित हैं, तो उनका क्या होगा स्वामी? दो बातें। एक, महादेव तो मेरा सामना करने भी नहीं आए, और दो, जो भयभीत होकर मेरा सामना नहीं कर सकते वो भला मुझे क्या क्षति पहुंचाएंगे? इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव। प्रणाम महादेव। स्थिति निरंतर नियंत्रण के बाहर होती जा रही है। पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह उस दुष्ट त्रिकुर के बवंडर के मुख में प्रवेश करने ही वाले हैं। पृथ्वी से उच्च ग्रह भी अपनी धुरी से भटक चुके हैं। सृष्टि पर घनघोर संकट छाया है प्रभु, क्या इसे रोकने के लिए हम कुछ कर नहीं सकते? अवश्य कर सकते हैं देवराज, इसीलिए तो मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। हम त्रिखुर के कृत्यों की गति को विलंबित कर इस संकट का समाधान ढूंढने के लिए कुछ अतिरिक्त समयावधि
अवश्य उत्पन्न कर सकते हैं। कदंब वन चारिणी मुनि कदंब कादंबिनी नितंबजित भूधरां सुर नितंबिनी सेवितां नवंबुरूह लोचनां भिनवांबुदशामलां त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी माश्रये। ऊपर गिरते ग्रहों की छाया है, पृथ्वी भी खंडित हो रही है, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है, अब कोई शेष नहीं रहेगा। प्रभु ही रक्षा करे तो करे, अन्यथा हमें इन कष्टों से मुक्त करे। ये क्या हो रहा है? ये ग्रह अपने स्थान से हट रहा है। पृथ्वी संकट में है, हम सभी संकट में हैं। प्रभु हमारी रक्षा करें, प्रभु प्रभु हमारी रक्षा करें, प्रभु प्रभु रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु। वो क्या है, वो क्या है? अरे ये तो मंगल ग्रह है, ये तो पृथ्वी के बहुत निकट आ रहा है। ओ, अब क्या होगा? ये ग्रह पृथ्वी से टकराने जा रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा? शीघ्र बुद्ध और बृहस्पति को आपस में टकराने से रोकिए, अन्यथा अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सक्षम हो रहा हूं इंद्रदेव, किंतु प्रतीत होता है बुध ग्रह इस बवंडर के भीतर समाने ही वाला है। मैंने शुक्र ग्रह को संभाल लिया है। देवताओं का इतना दुस्साहस, ग्रहों को बांध कर मुझे चुनौती दे रहे हैं ये, किंतु मेरे बवंडर के समक्ष नहीं टिक सकेंगे ये दुर्बल देवता।
चाहते हैं देवताओं? एक, तुम अपने दुर्बल फंदों से इन ग्रहों को कब तक रोक सकोगे? और दो, पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? में प्रवेश करने वाली माता, त्रिखुर की दुष्टता अपने चरम पर थी, जगत को क्षति पहुंचा रहा था वो। तो क्या पिताश्री, जगत पिता महादेव उसे रोकने वहां पहुंचे? अत्याचार का अंत निश्चित है, किंतु धैर्य की आवश्यकता है। विचार करने से निदान का मार्ग अवश्य मिलता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.